दिया और दिन किनार करके एंड टू एंड कांग्रेस का प्रत्याशी बना गया। यह हमारे बीजेपी में शामिल करने का टिकट देने का जनता का भेड़ बकरी थोड़ी है जो आपकी तरफ बिक जाएंगे। टिकट बिक गई होगी, शेखावाटी में बहुत सारी टिकटें बिकी, उसमें आपकी टिकट भी बिक गई, कोई बात नहीं। हमारे पहले वाले जनता भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऊपर वाले तो क्या है नहीं है, राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट बांटते हैं। समस्त कार्यकर्ताओं का धोखा किया गया है। पार्टी की जो गलती की उसी गलती की सहन करने की बड़ी गलती, आप जो गलती पार्टी ने करी है उस गलती को अपन सहन करेंगे तो हम उससे भी बड़े गलती करने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप गलती को सहन मत करो, इन्होंने क्या गलती की है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुनाव किसी भी हालत में आप और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर आपने मुझे टिकट का, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं केवल आपकी टिकट का मोहताज हूं। जहां आपकी अंगुली में ताकत है उस ताकत के हिसाब से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी अपने मेहनत के हिसाब से हम काम करेंगे और निर्णय लेंगे, स्वीकार करेंगे आपकी हर बात को, हर छात्र लगेंगे। अंतिम साथ ये कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से मेरे पास खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ये दिन मेरे को आज ट्वीट करने के दिन ही दिखा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अन्याय भी करती है। शिष्टता कोई है, रास लाटने के टाइम पे आते दो करके बैठ जाते हो आप और रास रातों रात ही दूसरे लाट के ले जाते हैं। उनका ये काम आपके साथ हुआ है, मैंने कुछ इस बात के लिए जो भी काम आप करेंगे उसे अफसोस मत करना, आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, काउंट बेल्ट की आज 7-8 पंचायतें हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक ने बहुत बड़ा न्याय किया है। कहां 5 किलोमीटर दूर आपका जिला मुख्यालय है और यहां कहां 60 किलोमीटर जिला मुख्यालय है। अपने हर धर्मी के कारण तत्कालीन विधायक निवर्तमान विधायक महादेव सिंह जी ने हर धर्मी के कारण उनको छीपकर जिले में रख दिया। मैंने धरना दिया, मीटिंगें की, लेकिन उनके पब्लिक की जो दुआ थी, जो पब्लिक की जो आघात थी कि हमें जैसा यहां से रहने दो, लेकिन उन्होंने अपने काम नहीं करने दिया। लोगों को कहते एक विधानसभा दो में नहीं जा सकती, अरे तेरे पड़ोस के अंदर ही उदयपुर वादी है, गुड्डा तो झोंझनों में है और उदयपुर वादी नीमका थाना में है। यह जानबूझ गर्दन में जैसा काम किया है। मैं आपसे यही निवेदन कर लूंगा कि आपने मेरा सहयोग करके बात यहां से जिताओगे तो अकाउंट वर्ल्ड वे कहना चाहूंगा कि आगे आने समय में मैं ये काम करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका अपना है, ये जीत आपकी जीत है, ये जीत मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है। मैं आपके बल पर चुनाव लड़ रहा हूं, आप और हम सब मिलकर काम करेंगे तो सही है। आप कहते हैं अपने बंशीधर को मानते हैं, रात रात मेहनत करके हम सब सफलता बनाएंगे, ये सफलता मेरी नहीं होगी, आपकी और हमारी होगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वोटर भोले होते हैं हमारे कार्यकर्ता भी बहुत सारे भोले होते हैं, कहीं ऐसा न हो जाए सेंधमारी हो जाए। पहले वाले चुनाव में जो प्रत्याशी था ना कांग्रेस का निर्दलीय, अब सारे प्रत्याशी बहुत पैसे वाले दोनों, लेकिन उन खरीदने वाले भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय गोपाल सिंह जी के प्रत्याशी जो समर्थक हैं, हमारे समर्थक हम सबके समर्थक हैं, वो बिकाऊ माल नहीं है। और रात को जो खरीदार करेंगे उनको आप खरीदने के लिए चौकसी करेंगे कि घर के अंदर कोई मोहल्ले के अंदर कोई चोर न घुस जाए। रात को पैसे बटेंगे, रात को आपके कई चीजें बटेंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे सरकार भी बहुत ध्यान रखती है, लेकिन सरकार दो वो ध्यान नहीं देती, उनकी दिखती नहीं उनको हमें क्या कर रहे हैं। ये सब आपका अपना 25 तारीख को 24 तारीख को बहुत बड़ा काम करना है। 24 को आपको 23-24 को आपको चौकसी करनी पड़ेगी और प्रत्येक बोर्ड जो अपना है, एक बोर्ड का भी कीमत है, एक बोर्ड से सीपी जोशी हारा था तो एक बोर्ड से क्या फर्क पड़ेगा। एक भी बोर्ड अपना घर पे नहीं रहे, कोई दूर दराज से है, जयपुर काम करा, सीकर काम करा, उसको कहे भैया तू रात को आ जाना, सुबह बोर्ड देकर चला जाना। और जो हमारे भाई बाहर रहते हैं दूसरे प्रांतों में, उनसे निवेदन करना, आप सबसे कहना बेटा है तू आना दिवाली पे आना, इस हिसाब से आना कि 25 तारीख बाद जाए, 25 के पहले नहीं जा पाएगा। और आप और सब बन के सफल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं।
शेष 20 दिन बचे हैं मुश्किल से, 25 तारीख को आप वोटिंग है। वोटिंग आप बहुत अच्छे ढंग से करना। उनके बराबर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बराबर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है। यह मैं उस बात में जीतता हूं मैं कि मैं जीतूंगा।